हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेवेंथ क्लास के फर्स्ट चैप्टर से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डिवाइड किया जाता है और उसको डिवाइड करने का क्लासिफिकेशन है क्या। तो जो हम बात करें अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीकों में या फिर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है तो उसके सेल्यूलर लेवल या फिर ऑर्गन लेवल पर डिवाइड किया जाता है। तो हम वो पढ़ते हैं आज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पहला है सेल्यूलर लेवल और दूसरा है ऑर्गन लेवल। सेल्यूलर लेवल में आपको समझ आएगा कि जो सबसे छोटी जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होती है वो होती है सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल जो होती है वो सबसे छोटी सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे पूरा शरीर बनता है, जिससे हमारा पूरा शरीर डेवलप करता है। जो सबसे छोटी चीज होती है हम उसे सेल कहते हैं। यानी एग्जांपल से हम समझे, अगर हम एक पूरा घर बना रहे हैं, एक पूरी हमने दीवार खड़ी की है, उस दीवार में खिड़कियां भी है, उसमें गेट है, सब कुछ है, लेकिन जो ईंट है ना वो एक सेल का काम करती है। ठीक है, तो हम आगे से समझते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को और डिवाइड किया गया। तो पहला है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल यानी जो एकदम यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टी सेल्यूलर, यानी उनको सिर्फ सेल चाहिए या एक सेल या फिर कुछ ग्रुप ऑफ सेल चाहिए ऑर्गेनिज्म के हिसाब से सरवाइव करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरीके के होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल यानी सिर्फ एक सेल के बलबूते पे अपनी पूरी लाइफ स्पैन को निकाल देते हैं, यानी पूरा अपना जो जीवन है वो सिर्फ एक सेल के बलबूते पे निकाल देते हैं। और जो सेल होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उसको हम हमारी नेकेड आईज यानी हम खुद की जो आंखें हैं उनसे नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है सेल को देखने के लिए। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इतने छोटे होते हैं यूनिसेल्युलर, यानी सिर्फ यूनि का मतलब होता है वन और सेल्युलर का मतलब होता है सेल वाला। यूनि यानी वन, सेल्युलर यानी एक सेल। ठीक है, तो उसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है अमीबा। इसको कहते हैं, इसको पढ़ते हैं अमीबा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमारा यही कहता है कि सिंगल सेल्युलर यानी सिर्फ एक सेल से बना हुआ था अमीबा। दूसरा हमारा जो पॉइंट है इसका सेल्युलर लेवल में वो है मल्टी सेल्युलर। अब मल्टी सेल्युलर क्या होता है? मल्टी सेल्युलर ऐसा होता है जो सिंगल सेल्युलर ना होके कुछ ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसमें अलग अलग सेल को अलग अलग वर्क डिवाइडेड होता है, उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सर्वाइव करता है उसकी लाइफ को, तो वो कहलाता है मल्टी सेल्युलर जिसमें एक से ज्यादा होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एक से ज्यादा सेल्स हैं और वो ऑर्गन लेवल से छोटा है तो उसका मल्टी सेल्युलर के ग्रुप में डालते हैं। तो मल्टी सेल्युलर का जो एग्जांपल है वो है हाइड्रा। ये जो हमने लिखा है ये एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल्युलर लेवल। सेल्युलर लेवल के बाद आता है हमारा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या हुआ? जो जिन्होंने सबसे पहले हमारा बनता है सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और एक एडवांस यानी अलग तरीके के जो एक अलग उन्होंने अडेप्टेशन अलग कैपेबिलिटी जब वो गेन कर लेता है यानी उसमें कुछ अलग तरीके की क्षमता आ जाती है तो उसको हम कहते हैं एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गन लेवल पे। ऑर्गन लेवल पे जो सबसे पहले आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर यानी सिर्फ एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म के बाद आता है, मल्टी सेल्युलर यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के भी बाद आता है ऑर्गन सिस्टम पे। ऑर्गन सिस्टम यानी बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज जुड़े एक ऑर्गन बनाया। ऑर्गन का एक फिक्स काम होता है, जैसे जो लंग्स होते हैं वो सिर्फ ब्रीथ करने के काम में आते हैं, उससे हम खाना डाइजेस्ट नहीं करते। हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करने के काम में आता है। ब्रेन जो होता है वो हमारी मेमोरी और हमारे स्किल्स को डेवलप करने के काम में आता है, उससे हमारी पूरी बॉडी फंक्शन होती है। तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल के जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसका जो एग्जांपल प्राइम एग्जांपल हमें दिया हुआ है वो है फ्रॉग। ओके स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट है वो है एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम। एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम जो हमारे ह्यूमंस में होता है, हम ह्यूमंस में अलग अलग तरीके के बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिनका एक स्पेसिफाइड यानी एक स्पेशल काम है, उसके बिना वो कोई और काम नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, और ये बहुत एडवांस लेवल होता है।
यानी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन का जब वो मिलकर एक साथ इकट्ठा काम करते हैं और जब वो कोई एक वर्क परफॉर्म करते हैं या फिर कोई एक्टिविटी ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म करते हैं तो वो कहलाता है एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम। ये जो होता है इसका लाइफ स्पैन मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे ज्यादा होता है। फिर जो लाइफ स्पैन यानी वो कितना जिएगा, यानी एडवांस सिस्टम है, हर चीज का एक स्पेशल ऑर्गन है, सब कुछ है, एक मतलब पूरी एक बॉडी के अंदर अलग 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 काम डिवाइड किया गया है अलग अलग ऑर्गन्स के लिए। तो लाइफ जो होती है सबसे ज्यादा एडवांस की होती है, फिर आती है ऑर्गन लेवल की, फिर मल्टी सेल्यूलर की, फिर यूनिसेल्यूलर की। ये चार इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो अब अगला जो पढ़ेंगे वो अमीबा का, जो अमीबा जैसे फूड इंटेक करता है, कैसे वो अपना फूड लेता है, यूनिसेल्यूलर अमीबा होता है यूनिसेल्यूलर, उसको पढ़ेंगे। आप ये नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा जैसे हमने पिछले जस्ट पहले एक फ्रेम में समझा था कि अमीबा जो होता है वो सबसे प्राइमरी ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, वो सिर्फ एक सेल पे सर्वाइव करता है। तो उसके अंदर एक ही सेल में वो सारी जो एक एक्टिविटी एक ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए करनी होती है, जैसे फूड इनटेक करना, डाइजेस्ट करना, सब कुछ, उसके हाथ पैर कुछ नहीं होते, वो सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है, अमीबा। तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। जो अमीबा होता है एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जैसा हमने समझा, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी जो एक सेल का जो सेंटर पार्ट होता है जिससे पूरा सेल चलता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। फूड वैक्यूल यानी जहां एक खाना स्टोर हो रहा है। एक्टोप्लाज्म, एक्टो यानी बाहर, प्लाज्म एक लिक्विड होता है किसी भी सेल को सस्टेन यानी जिंदा रखने के लिए। एंडोप्लाज्म सेल के अंदर जो प्लाज्म भरा हुआ होता है, यानी जो सेल के अंदर लिक्विड होता है उसको एग्जिस्ट करने के लिए। उसके बाद में ये एक और फूड वैक्यूल है, दो फूड वैक्यूल दे रखे हैं। एक प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा यानी जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, जो सेल के आउटर लेयर में होती है उसको प्लाज्मा लेमा बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है किसी भी अमीबा का वो होता है सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया क्या होता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया पी जो होता है इसमें वो हमेशा साइलेंट होता है। तो आज हम अमीबा का जो डाइजेशन होता है यानी या फिर जो हम कहते हैं फूड इंटेक, यानी अमीबा जो होता है खुद में खाना कैसे लेता है वो समझेंगे। तो हम सबसे पहले सूडोपोडिया समझते हैं क्या होता है। जो अमीबा एक सेल होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। फिक्स शेप यानी जैसे हमारे एक बॉडी का स्ट्रक्चर है कि हमारे हाथ, दो हाथ हैं उनकी जगह पर हैं, दो पैर हैं वो अपनी जगह पर हैं, वो अपना फिक्स काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ कुछ और मतलब शेप उसका चेंज हो जाएगा, एक फिक्स शेप है। लेकिन जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको एक ही सेल से एक ही लेयर से सब कुछ करना है, तो उसका कुछ फिक्स शेप नहीं होता। फिक्स शेप यानी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता किसी भी तरीके की, इसमें स्टैटिकनेस, हम जो दृढ़ता जिसे कहते हैं स्टैटिकनेस कहते हैं हम उसको इंग्लिश में, वो नहीं होती, यानी ये किसी भी शेप में आ सकता है। तो सूडोपोडिया जो होता है उसको हम कहते हैं, सूडो का मतलब होता है फेक, पोडिया यानी जो इसके हैंड्स ये बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें समझते हैं फ्लो चार्ट में कि फूड इंटेक कैसे होता है किसी भी अमीबा सेल का। तो ये अमीबा सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें फूड अभी जस्ट देखा है कि इसके सेल के आसपास कोई फूड का छोटा सा पार्टिकल यानी फूड का कोई छोटा सा पार्ट पड़ा, ठीक है। तो इसको अभी सेल को पता चला है कि मेरे आसपास एक फूड आया यानी एक फूड का छोटा सा पार्टिकल आया, तो मेरे को अभी इसे इंटेक करना है। जब हम इसे इंटेक, ये इसे इंटेक करता है तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, इसने ये जो दो बनाए हैं, ये जो दो इसने पार्ट क्रिएट किए हैं, इन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो यानी नकली, पोडिया यानी जो ये जो पार्ट्स क्रिएट कर रहा है किसी भी फूड को खुद के अंदर लेने के लिए, ठीक है। तो जब भी इसके आसपास, पहले इसने फूड रिकॉग्नाइज किया कि फूड है इसके पास, जैसे इसे पता चला था इसने दो सूडोपोडिया बनाए उस फूड को कवर करने के लिए, इसको ऐसे कवर कर रहा है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट में इसने एक ऑलमोस्ट पूरी कवरिंग बना ली है इसके आसपास, फूड के आसपास अपने सूडोपोडिया से ऑलमोस्ट पूरी एक कवरिंग बन चुकी है इसको कवर करने के लिए। और जो जस्ट नेक्स्ट फ्रेम है उसमें जो न्यूक्लियस है वो अपनी जगह पे है, और ये जो फूड वैक्यूल है ये इसने अपनी बॉडी में रख लिया है, और ये आगे जाके ऐसा बन जाएगा जो इस सेल को चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
खाना हमें सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे को, हमें जब हमें जरूरत पड़ती है, तो ये एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, यानी जब भी इस सेल को जरूरत पड़ेगी एनर्जी की तो इस फूड वैक्यूल से एनर्जी क्रिएट होगी जिससे इस सेल की लाइफ बढ़ेगी। तो ये है एक फ्लो चार्ट जिससे हम मतलब फूड इंटेक समझ रहे हैं, अमीबा कैसे अपने बॉडी के यानी अपने सेल के अंदर किस तरीके से फूड इंटेक करता है, और ये है उसका डायग्राम और ये है इसका फ्लो चार्ट, एक बार आप नोट कर लीजिए।